Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों आज बात करेंगे हिमालय मेंटा टेबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे हिमालय मेंटा टेबलेट के अंदर क्या मेजर इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, हिमालय मेंटा टेबलेट के क्या मेजर यूज हैं, कितना इफेक्टिव है और किस किस कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हिमालय मेंटा टेबलेट के अंदर मेजर इन्ग्रीडियंट क्या क्या हैं। तो इसके अंदर मिला हुआ है अश्वगंधा, जिसको हम विंटर चेरी के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे इंडियन जिनसिंग के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक वैज्ञानिक नेम है विदानिया सोमनीफेरा। बात करें सोर्स की तो ये नेचुरल वे में हमको प्राप्त होती है और एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसको अश्वगंधा कहा जाता है। अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो भारत में और भारत के आसपास के सभी देशों में ये देखने को मिलती हैं। इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ अवेलेबल हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले इन्ग्रीडियंट की। तो इसके अंदर मिला हुआ है मंडूक पर्णी, जिसको लोग ब्रह्मी भी कहते हैं। इसका एक वैज्ञानिक नेम है वो कापो माइन्यूरी, और भी कई सारे नामों से लोग इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह के जानते हैं। सोर्स की बात करें तो ये जो है एक जितने भी पानी के आसपास के क्षेत्र होते हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, उस जगह ये घास टाइप का है और उग आता है, जिसको मंडूक पर्णी कहा जाता है। जितने भी मतलब नमी वाले क्षेत्र हैं उनमें बहु यातायात पाया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मेजर यूजों की। तो इसको डॉक्टर बहुत सारी दिमागी प्रॉब्लम में लिखते हैं, जैसे मेनिनजाइटिस की कोई समस्या हुई या फिर दिमाग में मतलब सूजन आ जाता है, और एल्जाइमर डिजीज होती है जो भूलने लगते हैं लोग, और कुछ और मेंटल डिसऑर्डर हैं, सिजोफ्रीनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसी ऐसी दिमागी और घातक बीमारियों में इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। बात कर लेते हैं काम कैसे करता है। तो ये एक एंटी कोलिनर्जिक और हल्की सेडेटिव प्रॉपर्टीज रखता है, और हमारे ब्लड फ्लो को जो है ये स्मूथ और इजी करता है, साथ में हमारे इम्बैलेंस हॉर्मोन्स को भी करेक्ट करने का काम करता है। इस तरह से कुछ इसका मैकेनिज्म एक्शन है। चलिए बात कर लेते हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस के और अपने सीनियर प्रैक्टिशनर के एक्सपीरियंस से क्या इसके फ़ायदे देखे हैं। तो देखिए, अगर किसी को बार बार भूलने की कोई समस्या है, चाहे वो किसी भी एज का पेशेंट हो, बच्चा ना हो केवल, तो उसको जो है इसकी टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ में अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कुछ समय तक किसी बीमारी के चलते वो बार बार जो है नींद में बड़बड़ाना शुरू हो गया है, तरह तरह की बातें बोलता है, चीखता है, चिल्लाता है नींद में मतलब सोते समय, तो या सोते वक्त, तो उसमें जो है इसको दिया जाता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कुछ लोग जो है हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं गर्मियों के मौसम में, या फिर कहीं भी ऐसा है जहाँ का वातावरण या वायु प्रदूषण की वजह से जो है बॉडी में स्ट्रेस उसको जो है स्ट्रेस रहने लगती है, तो एग्रेसिव मूड में हो जाता है पेशेंट, तो उसको भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा लंबे टाइम से जो है सेडेटिव पिल्स ले रहे हैं, मतलब वो नींद की गोलियाँ ले रहे हैं, तो उनको भी जो है रिप्लेस थेरेपी के रूप में मेंटा टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओवरऑल बात करें तो हमारे जितने भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उन सब में इस टेबलेट को दिया जाता है और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चलिए बात कर लेता हूँ मैंने अपने एक्सपीरियंस में क्या इसके यूज देखे हैं। तो मैंने इसको जिनको जिसे भूलने की कोई शिकायत है, या कुछ ऐसे होते हैं जैसे 12 साल से नीचे के बच्चों को तो देनी होती नहीं है, 12 साल से ऊपर वालों को ही ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो है बहुत मेहनत कर रहा है और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, उसके बावजूद भी उसका जो है ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है, माइंड कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए इसको मैंने काफ़ी पेशेंटों को दिया है और बहुत अच्छे लाभ मिले हैं। कुछ कुछ जो है याददाश्त की शिकायत हो जाती है, बड़ों में तो चलो होती है, ये आम समस्या है, लेकिन कुछ जो है कम उम्र के पेशेंटों में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो बहुत उनका लर्निंग एटीट्यूड पहले तो बहुत बढ़िया था, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट बेस पे भी काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सूत्रों को छोड़ो, जो मतलब फॉर्मूले होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी उनके दिमाग में नहीं रहता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे फिजिकली वर्क कर रहे हैं लेकिन मेंटली उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिससे वो चीज़ों को बार बार भूल रहे हैं। जैसे कि जो
कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं वो कुछ बंदे या कुछ ऐसे लोग जो किसी मैकेनिकल या मेडिकल फील्ड में हैं और कुछ चीज़ें रटनी होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसों में जो है कुछ चीज़ें रटनी होती हैं, रटने के अलावा आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, तो उसमें इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी लंबे टाइम से जो लोग जो है नींद के से परेशान हैं, उनको या तो नींद आती नहीं या आती है नींद तो बार बार जो है नींद में उचक जाते हैं, बार बार आंखें खुल जाती हैं, तब भी मैंने इस मेडिसिन का उपयोग करके देखा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। कुछ लोग जो है ये वैसे बात हजम नहीं होगी कुछ के, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो है बिस्तर पर नींद में ही जो है टॉयलेट कर लेते हैं, मतलब पेशाब कर लेते हैं, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनको जो है मेंटल स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी सेंस ही नहीं कर पा रही है, दिमाग डिटेक्ट ही नहीं कर पाता कि किस सेंसर ने कब कोई बायोलॉजिकल वॉच का अलार्म दिया था, तो हमारी बॉडी जो है वर्क नहीं कर पाती है, मतलब माइंड का और जो है हमारे मोटर नर्व का कनेक्शन ठीक नहीं हो पाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये प्रॉब्लम होती हैं, और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कोरिलेट नहीं कर पाता है बॉडी के पार्ट पर, तो उसमें जो है ये दिक्कत आती है। वैसे अगर मैं डीपली इसकी चर्चा करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और कभी हम कोई सीरीज लेकर आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कैसे कैसे हमारे हाथ पांव दिमाग कान नाक कैसे कैसे वर्क करता है, और इसका सेंटर पॉइंट हमारा जो माइंड का सेंटर पॉइंट होते हैं वो कैसे कैसे ट्रिगर करते हैं चीज़ों को। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। काफ़ी व्यूवर्स हम की इसकी डिमांड कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से मेंटा टेबलेट के बारे में, तो मेंटा टेबलेट के काफ़ी ऑलरेडी जो है वीडियो बने हुए हैं यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा इसको जो है अवॉइड करते हैं, लेकिन रिसेंटली 3 से 4 व्यूवर्स हमारे बार बार जो है कमेंट कर रहे थे कि सर दिमाग के बारे में कोई ऐसी दवाई बताइए जो कि मेंटली स्ट्रेस को कम करती हो और दिमाग को हेल्दी रखती हो और हमारी सोचने की जो है वृद्धि बढ़ जाए, तो उसमें अलग अलग तरह से सवाल आ रहे थे। एक कमेंट बॉक्स भी हम लाने वाले हैं कुछ समय में, जिसमें आपको सारे कमेंटों के जो मेज़र सवाल हो करेंगे उनके जो हम सॉल्यूशन बताया करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट मेडिकल इन्फॉर्मेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन।